बच्चों, मैं अर्चना सिंह। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे थे तुमुल खंड काव्य को। तुमुल खंड काव्य के सारांश को आपने पढ़ा। एक प्रश्न और आता है खंड काव्य से कि तुमुल खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या तुमुल खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की प्रधान विशेषताओं को लिखिए, या तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, वो होगा तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण हैं। ये राम के छोटे भाई तथा रावण पुत्र मेघनाद का वध करने वाले हैं। तुमुल खंड काव्य के अनुसार नायक लक्ष्मण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला, सौंदर्य। लक्ष्मण सौंदर्य के निधान हैं। शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले श्रेष्ठ रत्न के समान हैं। ये बचपन से ही प्रियदर्शी और मृदुभाषी हैं। थी बोल से सुंदर सुधा, उर्मे दया का वास था तेज से सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। लक्ष्मण के व्यक्तित्व के बारे में कवि के शब्दों में क्रांति के आगार तथा सुख शांति के भंडार थे। जन्मना दिव्य शरीरी लक्ष्मण सौंदर्य एवं रूप से सर्वथा परिपूर्ण हैं। प्रतिनायक मेघनाद स्वयं उनको लावण्यधारी ब्रह्मचारी मान करके उनके सुकुमार कांति के साथ तप और तेज की शक्ति को स्वीकारता है। देखिए क्या कहा है कवि ने, लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी धृतिमान है। दूसरी विशेषता लक्ष्मण के चरित्र क्या है, की है शील। लक्ष्मण के शील संबंधी सभी गुण स्वाभाविक हैं, वे सिखलाए गए नहीं हैं। उनके हृदय में दया का वास है, यही दया उन्हें युद्ध क्षेत्र में मेघनाद पर आक्रमण करने से पूर्ण क्षण भर के लिए संकुचित कर देती है। मेघनाद के वध के समय भी उन्हें कुछ देर के लिए रोक देती है। क्या लिखा है कवि ने, सौमित्र ने देखा अचानक लाल आंखें रुक गईं, घननाद को पहचान कर याद करके आंखें रुक गईं। लक्ष्मण प्रतिनायक मेघनाद के शब्दों में यज्ञ मर्मज्ञ यानी यज्ञ को जानने वाले, नीतिज्ञ वेदज्ञ शास्त्रज्ञ तथा सब कुछ जानने वाले हैं। उनमें पृथ्वी की क्षमाशीलता, सागर की गंभीरता, पर्वत सा धैर्य, चंद्रमा सा यश विद्यमान था। क्या कहते हैं, निस्दिन क्षमा में क्षति वसी, गंभीरता से सिंधु था, थी अधीरता में अद्रि, यश में खेलता सरतेंदु था। इनका भ्राति प्रेम आदर्श रूप से ओतप्रोत है। ये राम के अनन्य भक्त हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण सीता राममय हो गए थे। कर्तव्य कर भर दिया पीयूष अपने नाम में, धूल से गए प्रत्यक्ष ही साकार सीता राम में। अब लक्ष्मण की अगली विशेषता क्या है, उनकी शक्ति। लक्ष्मण बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर हैं। वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किए हैं। लक्ष्मण ने जब टक्कर ली तो लक्ष्मण ने उसमें विजय हासिल की। कवि क्या कहते हैं, शस्त्रास्त्र में अपने सदृश में आप ही थे लोक में, उनके विमल यश की ध्वजा उड़ती रही सुरलोक में। तो यह आपका लक्ष्मण का चरित्र चित्रण हुआ तुमुल खंड काव्य के आधार पर।